सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इतना ड्रॉ किया था फ्रेंड्स, जो कि जैक स्पैरो का पोर्ट्रेट है। सो आज की इस वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जो फेस है और नीचे का कुछ पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आई के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन का, जिसको मैंने अच्छी तरीके से शार्प कर लिया है। और बिल्कुल ध्यान से जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन है सबसे पहले मैं वहीं पे चारकोल पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट है या फिर थोड़ा लाइट है इस तरीके का वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डार्क है सिर्फ मैं वहीं पे चारकोल पेंसिल लगा रहा हूँ, और जो हाईलाइट्स है उसके लिए मैं पहले से जगह छोड़ रहा हूँ। और थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग करने के टाइम उस पर भी चारकोल लग जाता है, लेकिन अगर आप हल्का सा ऊपर से लगता है तो आप उसे ईजिली नीडेबल इरेजर से इरेज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर शेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर शेड कर देंगे तो वो अच्छी तरीके से जितना वाइट दिखना चाहिए उतने अच्छे तरीके से इरेज नहीं हो पाएगा। सो अभी देखिए मैं इस आइस को किस तरीके से कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज़ करके जो जो डार्क पोर्शन है वहाँ वहाँ पर डार्क करते जा रहा हूँ, और हर जगह सेम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर एक्सट्रीम डार्क है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर, और बाकी जगह पर नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके मैं चारकोल पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। से देखिए गाइस कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और जब आप इस तरीके का आई बनाएंगे जहाँ पे छोटे पोर्शन है आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो आप बड़े ब्रश का यूज़ ना ही करो, उसके लिए आप छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर अभी करूँगा, ताकि हमें जितना ब्लेंड करना है उतना ही ब्लेंड हो और उसका चारकोल इधर उधर ना लगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे छोटा वाले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में दिखाया था कि मेरे पास एक और छोटा ब्रश है जो कि मैं स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप वो भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मेकअप ब्रश हो, आप नॉर्मल जो राउंड ब्रश आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लैट ब्रश ले सकते हैं छोटा वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने यूज़ किया छोटे वाले ब्रश को, ताकि इधर उधर चारकोल और ना लगे। और बाकी एरिया को जो फेस को शेड करना है वहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर HB पेंसिल से पहले शेड कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये आई तैयार हुआ, और जो प्रोसेस हमने इस फर्स्ट आई में किया था सेम प्रोसेस हम सेकेंड आई में भी करेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से मैंने आई को ड्रॉ किया, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा और डार्क होना चाहिए मैं और चारकोल पेंसिल यूज़ किया। उसके बाद नीडेबल इरेजर का जो पॉइंट बना के जहाँ जहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स है, वो चीज़ मैं यहाँ पर हल्के हल्के से देते जा रहा हूँ। तो आपको भी सेम चीज़ करना है। वैसे तो हम आज लाइव स्ट्रीम पर हम आई ड्रॉ करना सीखेंगे, तो उसमें भी मैं काफ़ी डिटेल से बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो लाइव स्ट्रीम भी आप ज़रूर देखना। सो अभी देखिए मैं आगे का जो आई है वो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब गाइस मैं HB पेंसिल से ही पूरे फेस को शेड करूँगा, और जहाँ पे मुंछ है और दाढ़ी है थोड़े बहुत, उसके लिए मैं वहाँ पे शेड नहीं करूँगा, वहाँ पे पहले मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से शेड कर दिए ऊपर से, उसके बाद आप सोचेंगे कि चारकोल पेंसिल ऊपर से हम यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो अच्छी तरीके से उस पर चलेगा ही नहीं, इसलिए आपको वहाँ पर जगह छोड़ के पहले चारकोल यूज़ कर लेना, उसके बाद फिर बाकी का शेडिंग करना है। तो ये आप प्रोसेस ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं फेस का टेक्सचर है, जो फेस का वैल्यू है उसे मिला रहा हूँ। और मैं डायरेक्ट, अगर मुझे डार्क में दिखता है तो मैं डायरेक्ट डार्क नहीं कर रहा हूँ, पहले एक लाइट लेयर दे रहा हूँ, उसके बाद उसको धीरे धीरे डार्क करूँगा, तब जाके हमारा जो फेस का वैल्यू है प्रॉपर किस तरीके का आ रहा है, किस कितना हमें और ज़्यादा डार्क करना है, वो चीज़ प्रॉपर समझ में आएगा। तो अभी देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल में भी अभी मैं बीच में यूज़ करूँगा, ताकि हमारा जो चारकोल का काम भी वो भी हो जाए,
और चारकोल जहाँ पे यूज़ करना है कभी भी वहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ नहीं करना ऊपर से, नहीं तो फिर आपको चारकोल यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। तो अभी ध्यान से देखिए प्रोसेस कि किस तरीके से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ और फेस को किस तरीके से मैं धीरे धीरे डार्क करता हूँ। बाकी वैसे तो मैं इसका रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सो गाइज अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने प्रॉपर वैल्यू को अप्लाई किया, यहाँ पर जितना डार्क होना चाहिए जितना स्मूथ होना चाहिए उतना हमने किया। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है फ्रेंड, काफ़ी छोटा छोटा ड्राइंग है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स है, आप उसे खुद से ट्राई करना, क्योंकि हर चीज़ आप
आपको ज़रूरी नहीं कि आप देख के ही ड्रॉ करो, आप खुद से ड्रॉ करना अगर बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, आप उसे सुधार सकते हैं। पेंसिल स्केच में ऐसा होता है कि आप जितने बार भी ख़राब भी हो जाए तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए खुद से, क्योंकि अगर खुद से ट्राई करेंगे तभी आपका ड्राइंग है वो ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लेना, मैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट डालते रहता हूँ। सो अभी देखिए मैं काफ़ी सिंपल तरीके से इसे कंप्लीट करता हूँ, सो ये चीज़ ध्यान से देखना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, इसका रियल टाइम वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, और जो भी आपके ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ फ्रेंड्स, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।